हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। और बहुत ज़रूरी बात आपको बताएं कि ये चैप्टर छोटा ज़रूर है, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराएगा, ऐसी नॉलेज हमें देगा जो कि हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होने वाली है। ठीक है, फिजिक्स एक केवल सब्जेक्ट नहीं है जो हमारे एग्जाम्स में आने वाला है ना। फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, नेचर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए फ्रेंड्स, नेचर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप 100 साल में, 500 साल में, 1000 साल में एक्सप्लोर कर लें। नेचर को हम जितना अभी तक एक्सप्लोर कर पाएँ वो उसका 1%, आधा परसेंट भी नहीं है, और ना ही कभी आधा परसेंट पूरा हो पाएगा। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी बात आपको बताएं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप खुद ही देख लीजिए स्टार्टिंग से कितनी उलझनें हुई हैं। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उनको भी 100-100 साल लग गए सुलझने में। ठीक है ना, काफ़ी सारी बातें हैं, इतना आसान नहीं होता नेचर को एक्सप्लोर कर पाना, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो हमारे बहुत काम की है और उसको हमें जानना है। ध्यान रखिएगा, ये बात फिजिक्स के बाहर भी आपके काम आएगी कि नेचर में हर वो चीज़ है जिसको हम सोच पाते हैं। ठीक है ना, और नेचर के अंदर हर वो चीज़ हो सकती है जिसको हमने अभी तक सोच नहीं पाया। ठीक है ना, टाइम लगता है चीज़ों को, जो सोच लेंगे वो हो जाएगा। ऐसे नहीं किसी ने सोचा होगा और ये एरोप्लेन बना दिया होगा। ठीक है ना, वापस से कभी बात करेंगे, लेकिन आज काम पे आते हैं। ठीक, चलिए, अगर हम आपसे कहते हैं कि ये बात हमने क्यों बोली कि इतना टाइम लगता है, तो देखिए आप खुद ही देख लो। अगर हम आपसे ऐसा बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, आप बोलोगे फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। बोलो कौन से चार्जेस, कौन से चार्जेस? देन हम जानते हैं कि एक्चुअली ये फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी है अर्ली 1800 में हो गई थी, लेकिन आप जानते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता पड़ गया था कि भाई ये इलेक्ट्रिक करंट है, और उसके बाद में जाकर के पता पड़ा हमें कि भाई इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज़ होती है। और जब करंट बना था ना, जब करंट की डिस्कवरी हुई थी, तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, ये बात हुई। इसके बाद टाइम आया 1820 में, हमें एक नई बात पता पड़ी। क्या? इलेक्ट्रिक करंट से ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने बताया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से जो है ना मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर आई बात 1830 अराउंड, है ना, क्या? ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद माइकल फेराडे ने, सर ने क्या बताया? ये बताया हमें कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर आप चेंज कराओगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराने से क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट। और ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो आप खुद सोचो कि चार्जेस का फ्लो कब होगा? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी तब तक चार्जेस का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें एक बात पता पड़ी। बोला क्या? कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बनाता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या बनाता है? बोला मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, पहली चीज़। दूसरी बात हमें पता पड़ी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज हो जाए तो क्या बन सकता है? बोला इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हो। तो अल्टीमेटली हमें क्या बोलना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या बना सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। ठीक है, अब टाइम आया 1850, और 1850 ऐसा समय आया, 1850 मान लो या 60 मान लो, डेट के बारे में हम अभी नहीं कह सकते हैं इसके में, है ना, अराउंड 1860 मान लो, है ना। तब एक महान साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मैक्सवेल। इन्होंने सोचा कि भई यदि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन जाए? ठीक है, और उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, अभी आपको बता दें कि ऐसा पॉसिबल होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। ठीक है ना, तो देखो कितना गैप हो गया यहाँ से यहाँ तक, 1860 पर हम पहुँच गए, लेकिन हमें सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं लेकिन जानकारी नहीं मिल पाई। ठीक है, मैक्सवेल सर ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि इन्होंने चेक करने के लिए कि क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से बन सकती है, या फिर जो है आप कह सकते हैं कि पहले वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर उन्हें ऐसा जानने को आया, ठीक, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कंडीशन क्या बनने वाली है। तो देखो, हमने क्या किया कि भाई ये अपना डीसी, ये एक बैटरी है, ठीक है, इसके बाद कंडीशन क्या है? डीसी करंट का एक सोर्स है, इसके बाद क्या है भाई? एसी भी हो सकता था। ठीक है ना, यहाँ पर हमने जो है ना कैपेसिटर की प्लेट लगाई है ना, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये स्टार्टिंग में जब चार्ज आएगा, ये बोला ये पॉजिटिव, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, फिर एक पॉजिटिव आया, फिर एक नेगेटिव हो गया, फिर एक पॉजिटिव और आया, फिर एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव, और धीरे 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 हम देखते हैं कि भाई ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो उसके अंदर अब जरा भी और करंट नहीं आएगा।
ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में थोड़ा 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 करंट गया और करंट की वैल्यू चेंज हुई और यहाँ पर क्या हो गया, अब कोई करंट नहीं जा रहा। ठीक है, मैक्सवेल सर ने क्या देखा कि भाई देखो यहाँ पर उन्होंने मैग्नेटिक कंपास रखा, ठीक है ना, मैग्नेटिक नीडल, तो देखा कि भाई इस मैग्नेटिक नीडल में यहाँ पर जो है ना डिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट मीन इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और हम जानते भी हैं कि भाई ये जो कंडक्टर है अपना, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनना बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पर उन्होंने देखा इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। बोला कैसे, इस नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। काफ़ी दिमाग लगाया गया, बोला ये कैसे हो रहा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। ये तो बात तय थी कि मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है। फिर सोचा, काफ़ी सोचा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यदि इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट तो है ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। अच्छा, बोला फिर क्या होगा, तो सोचा और सोचने के बाद जो पॉइंट हमारे सामने आया वो ये आया कि भाई देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर बन रही है। क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं करा पा रही, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही। मैग्नेटिक फील्ड केवल उतने ही टाइम के लिए बनी जब ये चार्ज हो रहा था। क्या हो रहा था, ये जब ये चार्ज हो रहा था, जब ये फुल हो गया ना तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो गई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कब तक बनी, जब इसके पास चार्ज आ रहे थे, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर तीसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर चौथा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और तब हम देख रहे थे कि इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था, दैट मीन्स तब मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो दिमाग तो लगा लिया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो किससे बन रही है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, किससे बन रही है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकती, लेकिन कौन बना पाएगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, ये यहाँ से हमें पता पड़ा, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है और अभी तक हमने ऐसा जानने में क्यों नहीं आया, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इसको नाम भी क्या देंगे, हम सारी बातें आपको बताएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यदि बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही होगी, क्या यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी क्या, देन हमारा आंसर है कि क्या देखते हैं हम। देखो कंडीशन ये है कि अगर आपको जो है ना किसी करंट करेंगे कंडक्टर के अराउंड उसके चारों ओर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है किससे मेजरमेंट करोगे, तो हमारे पास एक छोटा सा रूल होता है, बोला क्या, या फिर छोटा सा एक लॉ हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या नाम देते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। यदि आपको ये वीडियो देखनी है तो मैं लिख के देता हूँ फ्रेंड्स आपको, या आप इस वीडियो को देखिए अभी, एम्पियर सर्किटल लॉ बाय अभिषेक साहू, आपको एकदम डेफिनेट बहुत अच्छे से बहुत तरीके समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ें, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा हुआ है जो क्या कहता है कि भाई किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कैसे निकालोगे, तो हमने क्या किया, एक लूप बना दिया यहाँ पे, क्या बना दिया, एक लूप, ठीक है, इसको हम एम्पियरियन लूप नाम दिया, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितना होगा, बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, या फिर हम बोलते हैं भाई क्लोज सर्फेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट की टेंजेंशियल होगी, ठीक है, इस तरह से। और जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना इसके टेंजेंशियल है बी वेक्टर, ठीक है, एम्पीरियल लूप जो हमने बनाया था उसकी डायरेक्शन क्या है भाई, ऊपर डी एल वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो हमने बोल दिया कि भाई बी डी एल, और ये इस तरह से, तो यहाँ पर ये बी इंटू टू पाई आर इंटू म्यू नॉट आई, ये इस तरह का हमने देखा हुआ है, तो आई की वैल्यू या फिर हमें बी की वैल्यू एक मिल जाती है, ठीक है। चलिए हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं अभी, लेकिन हम आपसे ऐसा बोलें कि भाई हमने इतना पढ़ा हुआ है कि बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर तो एप्लीकेबल होता है और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही होगी कैसे पता पड़ेगा, क्या यहाँ पर एम्पीरियन लूप जो अपना एम्पियर सर्किटल लॉ है वो लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, तो हमारा आंसर है कि यहाँ पर एम्पीरियन जो एम्पियर्स लॉ है वो फॉलो नहीं हो रहा। बोला क्यों, क्योंकि एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि चलो बी की वैल्यू निकालनी है, डी एल आपके पास हो जाएगा, ठीक है, म्यू नॉट आपके पास हो जाएगा, करंट क्या है,
आई का मतलब क्या है कि नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, जो हमने जो है ना, जैसे मान लो जो भी लूप या सरफेस बनाई है उसमें से नेट करंट कितना पास हो रहा है। मान लो 5 ऊपर जा रहा है 3 नीचे आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, ठीक है। या फिर ऐसा मान लें कि केवल 5 ऊपर जा रहा है तो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक सरफेस एम्पीरियन लूप जो है ना, एक एम्पियर सरफेस यहाँ बनाई, ठीक है, और देखा यहाँ से कि सरफेस में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर कोई भी करंट पास नहीं हो रहा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो उसका मतलब यह है कि जो BDL ये वाला पार्ट तो फॉलो कर रहा है, लेकिन म्यू नॉट आई ये वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बिकॉज हमारे पास आई है ना, करंट की वैल्यू में कोई ना कोई हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बोला कि यहाँ पर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रही, ठीक है और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इस रूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि भाई इस रूल, जो हमारा रूल है ना, जो हमारा लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके फॉर्मूले में इसमें कि जरा भी किसी तरह की गलती कुछ नहीं है, लेकिन ये अभी अधूरा है ना। ये क्या है, अभी समय के हिसाब से अब अधूरा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, ठीक है ना। तो हमने जो पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, हमने जो एम्पियर्स लॉ पढ़ा हुआ है, अब उसमें थोड़ा सा चेंज करने का समय आ गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, लेट्स, हमने ये मान लिया कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, या फिर अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, या चलिए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है म्यू नॉट सिंबल आई, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ टर्म जोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, जो हमारे इस फॉर्मूले को पूरा कर देगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखो सोचा क्या गया कि जो लॉजिक हमने या फिर जो बातें अभी तक हमने समझी, वहाँ से ये जो उसके अंदर करंट बन रहा है ना, ये जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, इसका कैलकुलेशन अब हम पर करेंगे, ठीक है। अच्छा, या फिर ऐसा बोलें कि देखो उन्होंने ये सोच लिया था मैक्सवेल ने, सर ने, कि भाई यहाँ पर जो है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो करंट तो है, लेकिन कौन सा करंट है डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने इसका नाम दिया कि भाई ये जो है ना, ये इस करंट का अल्टरनेटिव है। क्या है अल्टरनेटिव, दूसरा रास्ता है, ठीक है ना, इस करंट के प्लेस पर है, ठीक है, जो अपना मेन करंट होता है उसके प्लेस पर है, उसके स्थान पर है, ये कोई दूसरा करंट जिसका हम नाम नहीं जानते। तो उसका नाम उन्होंने रख दिया कि भाई इसका नाम है आज से डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। बोला जहाँ पर जो है ना अपना मेन कंडक्शन करंट ना हो, कौन सा करंट, ये जो वायर्स में फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। तो जहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं होता वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। और जहाँ पर क्या, अगर जहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं है और कोई सा करंट यदि है, तो कौन सा करंट उसको बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो क्यों होगा, बोला ये होगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, ठीक है ना। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी, ये कितना होगा, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बस इसको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि भाई फाई ई, यहाँ से आप चाहें तो भाई लिख सकते हैं भाई कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। फाई ई इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, फाई ई इज इक्वल टू, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। क्लियर है तेरी बात, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया की हम बात करते हैं, तो देखो दो प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, तो हमने इसको बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है, आप याद रखना कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली अगर वो चार्ज है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ठीक है। सो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू ए, ठीक है ना। तो ये अपना कितना आ गया, फाई ई की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे ऐसा बोलें कि ये बताइए कि जो हमारा करंट बन रहा है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है इनके प्लेट्स के बीच में, वो कैसे बन रहा है, तो वो जब बन रहा है जब हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में चेंज हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी फाई ई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, डी फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका dt, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए dq ओवर dt, dq ओपन dt क्या होता है, करंट, दैट मीन्स i, हम इसको नाम देते हैं id, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए जो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू निकल के आई, वो वैल्यू निकल के आई एप्सिलॉन नॉट इंटू d phi e अपॉन dt,
ठीक है, ये जो वैल्यू हमारी निकल के आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट करंट की। दैट मीन्स उसके बीच में जो अपना करंट बनेगा वो कितना होगा, वो इतना होगा, और उसका नाम क्या रखा, बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये अल्टरनेटिव है किसका, कंडक्शन करंट का, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो एक सर्किट में क्या ये दोनों करंट एक साथ होंगे, तो हमारा आंसर है नहीं। जब जब कंडक्शन करंट होगा, जब जब कंडक्शन करंट होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। दैट मीन्स यहां पर अगर कंडक्शन करंट है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, ठीक है ना, और अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट है तो फिर यहां पर कंडक्शन करंट तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, हमेशा यहां पर जैसे कंडक्शन नहीं होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यहां पर कंडक्शन। एक और बात ध्यान दीजिएगा, एक सर्किट के अंदर कंडक्शन करंट की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। बोला क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों, जितना चार्ज यहां से आ रहा है उतना ही चार्ज यहां से जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, IC इज इक्वल टू ID होता है, ठीक है। एक चीज आपको बता दें आपके ध्यान देने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट नहीं होता है, एक्चुअली में कंफ्यूज नहीं करना है, ये चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है, बाद में कभी इस बात करेंगे, ठीक है, अभी आप इतनी बात समझ पाए, ठीक। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिर जो हमारे मैक्सवेल सर थे, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसके अंदर एक चेंज कर दिया, क्या, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हमने जो पढ़ा हुआ है म्यू नॉट आई, इसको उन्होंने क्या कर दिया कि भाई एक इसमें कौन सा करंट और जोड़ दो, आईडी, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहां से पुट कर देते हैं। बोला कितनी होगी, ये इतनी होगी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है। तो देखिए ये जो हमें मिला ना, ये हमें मिला एम्पियर सर्किटल लॉ का एक मॉडिफिकेशन फॉर्म, है ना, मॉडिफाइड फॉर्म हमें यहाँ पे मिला। तो इसको हम बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, और उसने एक बहुत ही ज़्यादा अनसुलझी गुत्थी को, मिस्ट्री को सुलझा दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ठीक है। इसके बाद मैक्सवेल सर ने एक जो है ना पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को चार इक्वेशन में समराइज किया। जो तीन इक्वेशन थी वो पुरानी थी, और चौथी ये थी, ये आपका जो है ना मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है ना। तो मतलब आप कह सकते हो चार इक्वेशन की हेल्प से काफ़ी सारी बातों को कंक्लूड किया गया। तो उनका जो चारों का जो बेसिक है वो हम अभी देखते हैं, है ना, बेसिक्स को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है ना आपको बहुत, जब आप आगे जाओगे तो आपको आगे काफ़ी सारी बातें इसके बारे में जानने को और समझने को मिलेगी, है ना। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल सर ने दी वो कुछ इस तरह से थी कि ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी गिवन थी, है ना, इसको यूज़ किया उन्होंने अपनी इक्वेशन बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को समझाने के लिए, ठीक है ना। इसको आप गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जान बोलते हो, ठीक। यहाँ पर क्या होता है कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज यदि है, ये यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, ये डी एस वैक्टर हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये सरफेस पर, इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, इस गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प, इलेक्ट्रोस्टैटिक की हेल्प से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में समझने वाला क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई जो हमारा चार्ज होता है वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सोर्स होता है, और जो हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज कि देखिए मान लीजिए अगर ये फील्ड लाइन जा रही हैं, ठीक है, तो इससे निकलती चली जा रही हैं, इसके पास दोबारा से नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा जो चार्ज होता है वो आइसोलेटेड हो सकता है ना, आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना, चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक उन्होंने ले लिया, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, आपने पढ़ा हुआ है ना। बोला क्या होता है ये कहता है, मान लीजिए कि अगर हमारे पास जो है ना एक कह सकते हो कि यहाँ पर जो है एक कोई भी चीज़ है, एक चार्ज मान लें, या फिर आप मान लें कि भाई यहाँ पर जो है ना एक मैग्नेटिक बार है, तो अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के जा रही हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वापस अंदर आना ही आना है, क्या करना है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रही हैं तो उसको वापस अंदर आना ही आना है, ऐसा चार्ज के केस में नहीं था, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या बनाती हैं, बोला ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं, क्या बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। इसके साथ साथ तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आइसोलेटेड केवल और केवल नॉर्थ पोल होता तो फील्ड लाइन बाहर चली जाती, दोबारा से लौट के नहीं आती, लेकिन हर बार फील्ड लाइन जाएंगी और वापस अंदर आ जाएंगी, तो एक क्लोज लूप बनाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ गई कि कभी भी जो मोनोपोल है
मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। या फिर हम ऐसा बोलेंगे आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स नेवर एग्जिस्ट, है ना। जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, चाहे एक एटम हो, दोनों आपस में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना, एक ही साथ, ठीक है। चलिए थर्ड जो पॉइंट उन्होंने दिया, थर्ड इक्वेशन जो उन्होंने लिए, वो ली जो आपका फेराडे का जो लॉ है ईएमआई का, है ना, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगर एन वन लेना हो तो आप एन ले सकते हैं, बाकी माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर हम ई का मतलब क्या है, ईएमएफ, दैट मीन्स आप बोल सकते हो वोल्टेज, है ना। और एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ई इज इक्वल टू डी वी ओवर डी आर, ठीक है ना, दिस ये जो वोल्टेज है, तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि ई इंटू डी आर मतलब क्या, लेंथ, तो हम इसको ई इंटू डी एल लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो अपना ये हो गया ई डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी डी एल है, तो इंटीग्रेशन साइन लगा दें, डी फाइव बी ओवर डी टी, है ना। डी फाइव बी का मतलब क्या, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं ना, तो डी बी ओवर डी टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी बी दैट मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही चीज़ तो हमने बोली थी, है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर हम ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बन पाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन पाएगी, ठीक है ना। ये कौन बताएगा, ये फोर्थ क्वेश्चन अभी अपने बताएगी, ठीक है। और फोर्थ फाइनल जिसको जिसमें जो है ना पर्सनली जो चेंज किया, किसने किया, मैक्सवेल सर ने किया, वो क्या मिल गई अपन को, वो हमें ये मिल गई कि जो बी वेक्टर डी एल वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी अपनी म्यू नॉट आई प्लस, और क्या है अपना जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, है ना। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन होगी जिसको आप एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है, और यहाँ पे हमें बताएगा कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। तो ये चारों इक्वेशंस का एक बेसिक रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है ना। तो ये था कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और मैक्सवेल सर ने किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को बताया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपको बहुत ज़रूरी बात बता दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल सर ने दी, वो काफ़ी टाइम तक क्या कि भाई हम बता दें आपको कि अराउंड 1800, हाँ बहुत लंबा टाइम, 10 से 12 साल तक जो है ना, ये सिंपल केवल और केवल पेपर पे थी, मैथमेटिकली इन्होंने प्रूव कर दिया, ठीक है, रिलेशंस दे दिए, काफ़ी सारी बातें बता दी, ठीक है। लेकिन इसको जो है ना एक्सपेरिमेंटली अभी तक नहीं देखा गया था। एक्सपेरिमेंटली कैसे हुआ इसको जो है ना प्रूव, इस चीज़ को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम हर एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। तो उस वीडियो के लिए बस इतना ही, इतना कहेंगे कि भाई शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन एंड